मेडागास्कर पाम, जिसको कि हम पैचीपोडियम लैमेरी भी कहते हैं। पैचीपोडियम एक जीनस है जिसके अंतर्गत 25 प्रजातियां आती हैं, जिनमें से 5 प्रजातियां अफ्रीका में पाई जाती हैं और 20 प्रजातियां जो हैं मेडागास्कर में पाई जाती हैं। मेडागास्कर पाम को लोग हाउस प्लांट के रूप में लगाना चाहते हैं, पॉटेड प्लांट के रूप में लगाना चाहते हैं, कुछ लोग इसको खुले में लगाना चाहते हैं। ये एक प्रकार का सकुलेंट श्रब है और इसका को हम छोटे पेड़ की श्रेणी में भी ले सकते हैं। इसको आमतौर पे खुला वातावरण चाहिए होता है जिसमें कि तेज़ धूप आए, पर हाउस प्लांट के रूप में अगर आप लगा रहे हैं तो इसको आप विंडो के करीब रख सकते हैं, जहाँ पे खिड़की के पास रख सकते हैं, ताकि सीधी सूरज की धूप इसको मिल सके। अगर सूरज की धूप इसको मिलती है तो इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छा आता है। आमतौर पर मेडागास्कर जो पाम होता है, इसकी जो तना होता है वो मोटा होता है। मोटा होने का कारण क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारा पानी ये जमा करके रखता है, और जब एडवर्स कंडीशन आती है, जब डॉर्मेंसी आती है, तो इस पानी का यूटिलाइजेशन वो अपने लिए करता है, जिंदा रहने के लिए इसका उपयोग करता है। और इसके तने के ऊपर बारीक बारीक से कांटे होते हैं, और ये कांटे एकदम सीधे तने से बाहर निकलते हैं। मेडागास्कर पाम के ऊपर जब पौधे के ऊपर जाते हैं, हम तने से ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद में टॉप के अंदर जाके पत्तियां आती हैं, और पत्तियां ये हरी पत्तियां होती हैं और हार्ड होती हैं थोड़ी। इस पौधे का जो तना होता है वो ब्राउन कलर का होता है, और इसके ऊपर कांटे भी बारीक बारीक कांटे होते हैं। ये पौधे की जो ऊंचाई है लगभग 10 से 12 फुट भी चली जाती है। इसमें जो फूल आते हैं वो सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, बेहद आकर्षक लगते हैं, और साथ में इसमें खुशबू भी रहती है। आम तौर पर इस पे जो फूल देखने को मिलते हैं वो हैं आपका स्प्रिंग सीज़न या समर सीज़न के आसपास, यानी कि बसंत से लेकर तेज गर्मी पड़ती है तब तक इसमें अच्छे फूल आते हैं, बेहद सुंदर लगते हैं, आकर्षक लगते हैं। सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, गुच्छों में होते हैं, जैसे कि चंपा के अंदर आते हैं, उस तरीके के फूल होते हैं इसमें। अगर आपका पैचीपोडियम लैमेरी बड़ा हो गया है तो आप उसको उसके टुकड़े करके उसको छोटा कर सकते हैं, और साथ में उनके टुकड़ों को आप पॉटेड प्लांट में लगा सकते हैं, और इस प्रकार से आप उसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। आमतौर पर जो कटा हुआ हिस्सा है उसके ऊपर आपको फंजीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि फंगस ना लगे। साथ ही दूसरा आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि इसको अगर आपको लगाना है तो वेल ड्रेन सॉइल, जहाँ पे पानी जमा ना हो, ऐसी जगह पे इसको लगाया जा सकता है, यानी कि पानी का निकास अच्छा हो। आमतौर पर ये पौधा पाले वाली स्थिति नहीं सहन कर पाता है, कुछ हद तक पाला सहन करता है, लेकिन ज़्यादा पाला पड़ने पर ये नहीं सहन कर पाता है और ये पौधा मरने का अंदेशा रहता है। मेडागास्कर जो लैमेरी है ये एक हार्डी पौधा है, और इसको आप आराम से उगा सकते हैं। इसको बहुत कम मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, बहुत कम पानी की, ना के बराबर पानी चाहिए इसको। मेडागास्कर पाम की जो तादाद है काफ़ी तेज़ी से कम होती जा रही है, इसलिए इसको संरक्षित करना बेहद आवश्यक है, और इसको आप प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, इसकी संख्या बढ़ा भी सकते हैं। उसके लिए आपको कटिंग का तरीका अपनाना है, कटिंग के करके इसको आप तैयार कर सकते हैं। आपने इस वीडियो में देखा किस प्रकार से पैचीपोडियम लैमेरी एक सुंदर पौधा है, जिसपे चारों तरफ कांटे हैं, तने पे भरपूर कांटे हैं, और ऊपर सुंदर पत्ते, और उसके बीच में सफ़ेद रंग के सुंदर फूल जिसमें कि खुशबू। बस यही कारण है कि लोग इसके प्रति आकर्षित होते हैं और इसे अपने बगिया में लगाना चाहते हैं। अगर आपने इसको हाउस प्लांट के रूप में लगा रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो एक्सपीरियंस है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं लगाया तो इसको आप अपनी बगिया में स्थान देवें, क्योंकि बहुत अच्छा पौधा है और बहुत कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। पैचीपोडियम लैमेरी को मेडागास्कर पाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी ज़्यादातर प्रजातियाँ जो हैं वो मेडागास्कर में पाई जाती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।